हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के तहत हम देखने वाले हैं मई महीने के टॉप 100 करंट अफेयर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट वन, यानी कि पहले एक से लेकर 50 क्वेश्चन। तो समय को व्यर्थ किए बिना चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, रिसेंटली द फूड प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज, यानी कि फूड प्राइस इंडेक्स किस संस्था ने रिलीज़ किया है? तो उसका आंसर होगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस स्टेट ने, विच स्टेट हैज टॉप्ड इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में नीति आयोग। तो इसमें से हमें दो चीज़ याद रखनी, पहला कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कौन निकालता है, कौन जारी करता है, तो नीति आयोग, और किस स्टेट ने, किस राज्य ने इस पर प्रथम स्थान हासिल किया है, तो वो है केरल। और दुख की बात है या दुर्भाग्यपूर्ण, बिहार एवं झारखंड जो है वो सबसे निचले पायदान पर इसमें रह गए, तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड कोरियोग्राफी, यानी कि जो डांस को कोरियोग्राफ करते हैं, डांस की डिजाइनिंग, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस, किस तरह से डांसिंग करनी, तो उस कोरियोग्राफी में विश्व का, यानी पहला ऐसा भारतीय कौन बना है जिसको वर्ल्ड कोरियोग्राफी 2020 का अवार्ड मिला है, तो ये है हमारे सुरेश मुकुंद जी। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट इंडियन टू विन शेख जायद, ये बहुत ही फेमस अवार्ड है जो दिया जाता है यूएई में। तो शेख जायद अवार्ड किसको मिला है, किन महिला को मिला है, तो इनको मिला है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन को। रिसेंटली सुंदर लाल बहुगुणा जो कि इनका निधन हो गया है, तो वो किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो आप सभी ने इनका नाम पढ़ा भी होगा, अगर नहीं जानते तो याद कर लीजिए, चिपको आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1970 के दशक में जब ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ था चिपको आंदोलन, उससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और उसके कहीं ना कहीं क्या, उसके मुख्य प्रमुख लीडर थे चिपको आंदोलन के। रिसेंटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट यानी कि WI ने एक मंकी बंदरों के ऊपर एक सेंसस किया है, और वो किस राज्य में पहली बार शुरू किया है, तो वो शुरू किया गया है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। रिसेंटली मोक्सी, न्यूज़ में आपने सुना होगा मोक्सी, क्या है ये मोक्सी? तो ये मोक्सी है मार्स पर ऑक्सीजन जनरेटर, यानी कि एक ऐसी कृत्रिम मशीन जो मार्स का कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करके वहाँ पर ऑक्सीजन बनाएगी, और ये एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है। खास करके ये जो लॉन्च किया गया है वो नासा के प्रिजर्वेंस मिशन, नासा ने जो वहाँ पर मार्स पर एक प्रिजर्वेंस मिशन लॉन्च किया है, उस मिशन के तहत ये रोवर की तरह वहाँ गया था मोक्सी, और एक आर्टिफिशियल रोबोट है जो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज़ करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। न्यूली अपॉइंटेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट विमेन्स टीम, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन है? तो इनका नाम है श्री रमेश पवार जी। अमिट COVID-19 पेंडेमिक यानी कि COVID-19 महामारी के मध्य किस राज्य ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर के भी केसेस देखे हैं? तो वो राज्य है हमारा, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, मेघालय। KP शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, वो किस राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो बिलोंग करते हैं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि NCP। ठीक है, और जो आज की उनकी सरकार चल रही है वो है CPIUML यानी कि यूनियनिस्ट मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। जो नई पार्टी जिसकी सरकार है वो है यूनियन ऑफ मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। तो ये अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टी के ही धड़े हैं, लेकिन सरकार जो है वो इसकी चल रही है, और उसमें से जो कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। रिसेंटली तुकते जो चक्रवात आया था अरब के सागर में, उसका नाम जो है वो किस देश ने दिया था? आपको पता है कि IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में हेड करता है, और अलग अलग देशों ने अलग अलग लिस्ट ऑफ नाम दिए हुए हैं जिनके हिसाब से चक्रवातों के नाम रखे जाते हैं। तो हाल ही में जो तुकते तूफान आया था उसका नाम सुझाया गया था म्यांमार के द्वारा, और तुकते का अर्थ होता है छिपकली, आवाज़ करने वाली बड़ी छिपकली। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अनुसार किस देश में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया? तो इसमें से हमें दो चीज़ें याद करनी, पहले कि रेमिटेंस रिपोर्ट यानी कि वो वैसे लोग, वैसे भारतीय या वैसे चीनी या वैसे किसी और अन्य देश के लोग जो बाहर जाकर कमाकर पैसों को अपने देश में भेजते हैं, उसे हम कहते हैं रेमिटेंस। तो इसकी रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो इसकी रिपोर्ट जारी करते हैं वर्ल्ड बैंक, और सबसे ज़्यादा कह रहे हैं तो सबसे ज़्यादा है वो भारत, और दूसरे नंबर पर है चीन। हु इज़ द न्यूली सेलेक्टेड 69th मिस यूनिवर्स? तो
जो 69वीं मिस यूनिवर्स है वो कौन है? तो वो है आंद्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको से बिलोंग करती है। रिसेंटली 2DG, 2DG का नाम हमने काफ़ी चर्चा में सुना है, ये क्या चीज़ है? तो 2GD जो है वो एक दवाई है, 2GD इज़ अ ड्रग, जिसको किसने बनाया है? ये एंटी कोविड यानी कोविड-19 से लड़ने के लिए एक एंटी वायरल एंटी कोविड ड्रग है, जिसको बनाया गया है DRDO द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में इसराइल जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है, तो अभी उसकी भूगोल को देखते ही बताएगी कि इनमें से किस जो है जल क्षेत्र के नज़दीक, इट इज लाइज ऑन द विच ऑफ द वाटर बैंक, सो द आंसर विल बी मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर के सबसे निकट है, इस भूमध्य सागर को वो टच करता है। ट्रिप्स, हाल ही में ट्रिप्स जो है काफ़ी चर्चा में है, तो ट्रिप्स क्या चीज़ है? तो ट्रिप्स जो है वो ट्रेड रिलेटेड, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड जो है प्रोटोकॉल है, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी राइट्स के प्रोटोकॉल, यानी कि जो बौद्धिक प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, बौद्धिक संपत्ति, उसके रिलेटेड जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं वो ट्रिप्स के द्वारा। कौन बनाया गया है? तो इसको बनाया गया है WTO, विश्व व्यापार संगठन में ट्रिप्स को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, खासकर कि भारत सब दक्षिण अफ्रीका और बाद में अमेरिका भी साथ में आया है, कि जो छोटे गरीब देश हैं उन देशों को इस आंदोलन से, खास करके कोविड-19 की दवा बनाने के लिए इनमें कुछ छूट दी जाए, ताकि उन देशों ने जिनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनियों ने जो कोविड-19 की वैक्सीन या दवाई बनाई है उनको उनके बनाने की फॉर्मूले की रॉयल्टी ना देनी पड़े, और वो जो देश है खास करके भारत, जो कि पूरे विश्व का फार्मास्यूटिकल कैपिटल है, वो रॉयल्टी दिए बिना इसे बना सके, ताकि मानवता का कल्याण हो सके। इसके लिए ट्रिप्स पर वेवर की बात चल रही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है उस पर बैन लगा रहा है, यूरोपियन यूनियन ने उसे डिसीजन नहीं दिया है, इवन G20 ने भी इसका समर्थन नहीं किया है। किस देश ने नया सुपर कंप्यूटर सीमोगढ़ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है ईरान द्वारा। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टेटस ऑफ रिपोर्ट, यानी कि रोड, तो ये आपको दो चीज़ें यहाँ पे याद करनी है कि ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, सड़क की स्टेटस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वो जारी की जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और वो बताता है कि सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट कहाँ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट होते हैं भारत में, और ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इस पर हमें प्लानिंग करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है, हमारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, सेफ्टी मेजर्स को, ट्रैफिक रूल्स को, ट्रैफिक अवेयरनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। विच इंडियन बैंक हैज़ ज्वाइंट पॉकेट्स, यानी कि हाल ही में किसने नेशनल पेमेंट कमीशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर एक पॉकेट UPI की स्थापना की है? तो वो की गई है ICICI बैंक द्वारा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने हाल ही में एक नया पेट्रोल, यानी कि जो देखभाल, ठीक है, नया पेट्रोलिंग व्हीकल, जो कि निगरानी व्हीकल, जिसको लॉन्च किया गया था हमारे NSA अनीच अजीत डोवाल जी के द्वारा, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सजग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैव लॉन्च अंकुर, किस राज्य सरकार ने पेड़ों को लगाने के लिए अंकुर अवार्ड, अंकुर पुरस्कार की घोषणा की है? तो वो किया गया है मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा, जिसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है एटनी ग्लिच अवार्ड, जो कि FIH द्वारा दिया जाता है, और ये किस भारतीय स्पोर्ट्स टीम को, किस भारतीय खेल टीम को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हॉकी को, ठीक है, हॉकी, यानी FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन डे इंटरनेशनले ऑफ हॉकी, एक फ्रेंच वर्ड है, जिस तरह से फीफा का होता है कि फीफा फेडरेशन दे इंटरनेशनले ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, उसी तरह से फेडरेशन दे इंटरनेशनले ऑफ द हॉकी एसोसिएशन, और ये दिया जाता है हॉकी के क्षेत्र में। वेयर हैज़ बीन द फर्स्ट फिजिकल मीटिंग ऑफ द रिप्रेजेंट, यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद या दौरान, आप समझे कि पहली बार जो है फिजिकल मीट, अलग अलग राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा जो फिजिकल मीटिंग पहली बार कौन से शहर में हुई है? तो ये हुई है G7 की मीटिंग हुई है, और G7 की मीटिंग जो पहले ग्लासगो में होने वाली थी वो ना होकर वो हुई है अब लंदन में, जिसमें आपने सुना होगा हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी भी वहाँ गए थे, लेकिन उनके कोई एक स्टाफ कोविड पॉजिटिव आने की वजह से वो उन्होंने वर्चुअली अटेंड करना पड़ा था। सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लिगेसी, ये किताब किस सज्जन ने लिखी है? तो ये लिखी गई है विक्रम संपत द्वारा, ठीक है, सावरकर काफ़ी चर्चा में है, तो इनसे रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको
खास करके जब तक कि एनडीए की गवर्नमेंट है तब तक तो आपको इसे याद ही रखना है। हु हैज़ ऑथर द बुक स्टार ग्रेजिंग प्लेयर्स इन माई लाइफ, तो ये किताब लिखी गई है रवि शास्त्री द्वारा, जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने नासा के साथ मिलकर एक प्राइवेट व्यक्ति को स्पेस स्टेशन भेजने का काम किया है, तो ये किया गया है एक्सियोम स्पेस द्वारा। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने एक नई स्कीम दी है कि आई चूज माई नंबर, यानी अपने मर्जी से अपना बैंक अकाउंट नंबर चूज करने की क्षमता किसने दी है, तो ये दी गई है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा। किस ई कॉमर्स कंपनी ने संजीवनी नामक एक कोविड पेशेंट्स और प्लाज्मा डोनर के बीच में एक नया प्लेटफॉर्म बनाने वाली, जो एक वेबसाइट को निर्माण किया, एक नया प्लेटफॉर्म को बनाया है, उसमें से ऐसी कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो वो है स्नैपडील। रिसेंटली नासा ने ऑरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट जो है वो रिटर्न आया है अर्थ से, किस से, तो जो है एक एस्टोराइड पर हम गए थे नासा के द्वारा और फिर अर्थ से वापस आया, लेकिन तो किस एस्टोराइड यानी कि किस उल्का पिंड से वापस आया है, तो उसका नाम है बेन्नू नाम के एस्टोराइड से वो जाकर वापस आया है। रिसेंटली हु हैज़ डेवलप्ड एन एल्गोरिथमिक टूल फॉर डिटेक्टिंग द कोविड 19 इन्फेक्शन नेम्ड आत्मन आई, सो आत्मन AI यानी कि आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आत्मन कृत्रिम बुद्धिमत्ता को किस टेक्नोलॉजी ने बनाया है, किस संस्थान ने बनाया है जो कि कोविड 19 की इन्फेक्शन को मॉनिटर करेगी, तो जाहिर सी बात है ये बनाया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा। चाइना ने मार्स में एक सक्सेसफुल रोवर लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला वो दूसरा सक्सेसफुल कंट्री बना है जो कि US के बाद है। अब उस रोवर का नाम क्या है, ठीक है, हमने भी जो चंद्रयान 2 में एक रोवर भेजा था विक्रम रोवर, तो किसी हद से हम पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पाए, हमारी हार्ड लैंडिंग हो गई थी, उसी तरह से चाइना ने एक रोवर यानी इस तरह का रोबोट होता है जो उस मार्स की सतह पर उतरकर चलता है, वहाँ की ज़मीनों की परीक्षण करता है, सैंपल लेता है, कम्युनिकेशन लेता है, तो उस रोवर का नाम क्या है, उस रोवर का नाम है ज़ूरोंग। डीजी गोल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें कि लोग, ठीक है, डीजी गोल्ड इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसमें लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं भाई डिजिटल मोड, तो किस बैंक ने डिजी गोल्ड नामक प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, तो ये बनाया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक द्वारा। किसने चार्ज लिया है, पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर, आसाम की पहली महिला वित्त मंत्री का चार्ज किसने लिया है, तो ये लिया है अजंता नियोग जी ने। पीपल्स एडवोकेट जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के तहत जो COP होता है यानी कि कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, इसमें जो 26वां होने वाला है वो उसके लीडर कौन होने वाले हैं, तो उसके जो पीपल्स एडवोकेट यानी कि जनता के वकील के द्वारा लिया गया है डेविड अटनबोरो, ये बहुत ही अच्छे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट है, फोटोग्राफर है, और इन्हीं को इसमें पीपल्स एडवोकेट नियुक्त किया गया है। चंद्रो तोमर एक महिला हैं जिनका निधन हो गया, भारतीय महिला 89 साल की उम्र में, ये किस खेल से जुड़ी हुई थी, उसमें बहुत सारे उन्होंने मेडल्स भी जीते थे, हाल में उन पर एक मूवी बनी थी जिसका नाम था सांड की आंख, तो ये जो है वो शूटिंग से जुड़ी हुई थी, तापसी पन्नो और जी हाँ तापसी पन्नो और उनके एक अभिनेत्री जो थी भूमि पेडनेकर ने उन पर अभिनय किया है। विथ विच ऑफ द नॉन क्वाड यानी कि भारत ने किस ऐसे नॉन क्वाड यानी क्वाड में कितने देश है, तो क्वाड में है अमरीका US जापान ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन देशों को छोड़कर भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 डायलॉग जो है वो शुरू किया है, तो ये शुरू किया है हमने रशिया के साथ। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर किस देश ने यानी कि विच किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा। विच इंडियन लॉजिस्टिक्स कंपनी ने किस लॉजिस्टिक यानी कि किस माल वाहक कंपनी ने ऑक्सीजन और व्हील्स नामक प्रोजेक्ट, जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो इस तरह के प्रोजेक्ट की सहायता करने के लिए किस कंपनी ने आगे बढ़कर मदद की है, तो उसकी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, आनंद महिंद्रा जी की कंपनी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे बॉर्डर्स पे सड़क बनाती है, उसने एक प्रोजेक्ट बनाया है दंतक और अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट किया है, तो अपनी डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने के तहत किस देश में उन्होंने जो है वो काम किया है, ठीक है, तो अपने डायमंड जुबली सेलिब्रेट करने के समय
इसने किया है भूटान में, भूटान में प्रोजेक्ट किया है दंतक। डिफेंडर यूरोप 21 एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है डिफेंडर यूरोप 21, जिसके लीड किया है यूएस आर्मी ने। ये किस संगठन के साथ मिलकर किया गया है? तो ये किया गया था नाटो के साथ। जाहिर सी बात है कि यूरोप में अगर आप कुछ भी देखें तो कोई भी तरह का एक मिलिट्री एक सैन्य जो संगठन है वो नाटो ही है। ट्रिफेड जो है वो किस MOU के साथ साथ किया है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, जो ट्रिफेड होता है वो ट्राइबल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंदर आता है। वो ट्राइबल में किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, फेडरेशन हो, तो उसने एक नया प्रोजेक्ट साइन किया जिसका नाम है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर ट्राइबल हाउस होल्ड इन इंडिया, यानी कि ट्राइबल जो हमारे घर है जनजातीय घर में उनके लिए जो है सतत विकास और सतत जीवन यापन बना रहे, उसके लिए किस संगठन के साथ उन्होंने मिलकर काम किया है? तो उन्होंने मिलकर काम किया है लिंक फंड फाउंडेशन के साथ। सोली सोराब जी का हाल ही में निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो पहले भारत के जो है वो एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, ठीक है, भारत के महाधिवक्ता महोदय रह चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा संविधान विद भी उन्हें कहा गया था, वो संविधान की काफ़ी अच्छी जानकारी रखते थे और ये जो है नानी पालखी वाला के शिष्य भी थे। औरुका ब्रिज जो वर्ल्ड की सबसे लंबी पेडेस्ट्रियन ब्रिज यानी कि चलने वाली ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज बनाई गई है, ये किस देशों ने बनाया गया है, किस की बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पुर्तगाल द्वारा, पोर्चुगल। किस सिटी ने, किस शहर ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्वार्टर 1 2021 में जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ एक्सीव किया है? तो वो किया गया है सेजन, चीन का जो शहर है सेजन। फ्री इंडिया टॉप ऑयल एंड गैस पीयूसी, फ्री भारत के जो पांच टॉप ऑयल और गैस पीयूसी यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, जो सरकारी कंपनियां हैं उन्होंने मिलकर एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ एक पिलग्रिम साइट। तो भारत की प्रमुख पांच जो है तेल एवं गैस उत्पादक सरकारी संगठन सरकारी कंपनियों ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने, ठीक है, उन्होंने एक स्पिरिचुअल एक किसी तीर्थ स्थान को डेवलप करने का प्लान बनाया है और उनमें से वो कौन सा तीर्थ स्थान है? तो वो तीर्थ स्थान है बद्री विशाल बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। ओल्डेस्ट ह्यूमन बरियल साइट, हाल ही में एक ऐसा बरियल साइट यानी कि दफनाने की जगह मिली है जहाँ पर जो सबसे पुराना हो सकता है, अभी रिसर्च तो प्रूफ नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि अब तक का सबसे पुराना सबसे प्राचीन मानव को दफनाने की यह ह्यूमन बरियल साइट है। तो ये बरियल साइट कहाँ है मिली है? ये मिली है कीनिया। डोज वन मिशन ऑन द मून, एक पहला मून पर मिशन, चांद पर पहला एक मिशन किया गया डोज वन, जिसकी सारी की सारी जो खर्च है वो डॉज क्वाइन द्वारा पेमेंट की गई। तो इनमें से किस संस्था ने, किस संगठन ने इस पर काम किया? तो ये जो है दिया गया था स्पेस एक्स द्वारा। एक नई किताब निकली है बुद्ध इन गंधार, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा गया है सुनीता द्विवेदी जी द्वारा। विच कंट्री हैज दैट अलाउ इंडिविजुअल टू ट्रांजेक्ट द गोल्ड डिजिटल, यानी कि उनके नागरिकों को सोने का ट्रांजेक्शन डिजिटली करने का किसने छूट दी है? तो ये पहला देश है, इनका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में नागरिक जो है वो सोने का, जो इंडिविजुअल है वो गोल्ड डिजिटली गोल्ड को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हु हैज़ द न्यू डायरेक्टर एंड द चीफ ऑफ CBI यानी कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो नए डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? तो वो है श्री सुबोध जायसवाल जी। तो यहाँ पर हमारा वीडियो का पहला पार्ट खत्म होता है। आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दें, कमेंट दें, अपने फीडबैक्स दें और उस रिस्पॉन्स को, उस फीडबैक को देखते हुए हम अगले वीडियो लाने के प्रयास करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।